हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वोल्टेज। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड की तरफ से इस साल 2023 की नई भर्तियां आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है आधार कार्ड की तरफ से। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपको बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड की तरफ से साल 2023 की नई भर्ती है जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है और जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से भर्तियां निकाली गई है। दोस्तों इन भर्तियों के लिए, ज्यादातर भर्तियों के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती के माध्यम से आपकी नौकरी मिलने वाली है और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, बट वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको देंगे इस भर्ती की, जैसा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट या फिर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, tipsvaratbharat.xyz, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर भी आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ होता है और अप्लाई करने का जो लिंक होता है वो भी आप यहां से ले सकते हैं, डायरेक्टली आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई यानी कि आधार कार्ड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि साल 2023 की नई भर्ती है। 2023 नए साल की शुरुआत हो चुकी है नई भर्ती के साथ। दोस्तों यहां पर आधार कार्ड की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब से काफी सारी वैकेंसी है। रीजनल ऑफिसर की वैकेंसी है, आरओ की है, सेक्शन ऑफिसर की है, डिप्टी डायरेक्टर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, डाइन डायरेक्टर की है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट की है, मतलब काफी सारी जॉब्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है इस साल 2023 के अंदर। दोस्तों यहां पर इन वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा और इस वैकेंसी के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जो है ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस यहां पर है, दोनों ही आपको बताएंगे हम आज के इस वीडियो में। और ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है, ठीक है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहां पर भी आपको जानकारी दी जाती है रोजाना। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर सैलरी की बात की जाए तो काफी सारी जॉब्स है, काफी सारी पोस्ट है, उन सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है सैलरी का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की रहने वाली है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 56 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप गाइस फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दें तो यहां पर ज्यादातर जो वैकेंसी है आपको बता दें ग्रेजुएट लेवल की है, बट यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जैसा कि असिस्टेंट और यहां पर स्टेनो की जो पोस्ट है इसके लिए केवल 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों कुछ ऐसी वैकेंसीज भी है जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, जैसे कि हेल्पर की है, पीओन की है, एमटीएस की है, उसके लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग सभी कैंडिडेट्स जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, आवेदन जो है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं इसी पोस्ट पे आपको नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे नए पेज पर, क्योंकि जो कि आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, डिप्यूटेशन की है, जिसके लिए आप चाहे तो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पे, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज आ जाएगा जिसपे आपको पीडीएफ मिलेगा, यानी कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हैं बाय पोस्ट, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं अभी की अभी अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि जो प्रोफेशनल वैकेंसीज है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो आपके सामने आ जाएगी,
जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करा तो आपके सामने आ चुका है फिर से एक नया पेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही एक दिन पहले आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की है, पोर्टल एंड कंप्लेंस मैनेजर की वैकेंसी भी है, मैनेजर की है, और यहाँ पर जूनियर ग्राफिक डिजाइनर की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है। तो काफी अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैलरी आपको काफी अच्छी मिल रही है। सैलरी का स्लैब भी है 4 लाख से 9 लाख रुपए पर एनम, यानी कि सालाना आप यहाँ पर कमा सकते हैं। 10 लाख से 17 लाख तक आप जो है पर एनम यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। काफी अच्छी जॉब्स यहाँ पर है दोस्तों। इनमें से किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा। जैसा कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो है 7 जनवरी बता रखी है, तो यहाँ पर कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसकी लास्ट डेट भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 7 जनवरी भी है, 15 जनवरी भी है, 20 जनवरी भी है। वो डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग लास्ट डेट का क्राइटेरिया है। अप्लाई करने का बटन ये रहा, यहाँ पर आप जस्ट आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ये ऑनलाइन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद में लोकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन की क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पर नोटिस पीरियड क्या है, और यहाँ पर आपको सोर्स आपको ये वैकेंसी की जानकारी कहाँ से मिली है आप यूट्यूब सर्च कर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद की स्किल क्या है आपकी, उसके बाद आपका जो रिज्यूमे है वो आपको अपलोड करना है अपडेट करके, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। सिंपल आपको सबमिट करना है, यहाँ पर सबमिट का बटन दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने आ जाएगी ऑफलाइन वैकेंसीज। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज हैं जिसपे आपको पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यहाँ पर काफी सारी जॉब्स निकल कर आती है दोस्तों, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर नीचे दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म भी है, यहाँ पर आप चाहे तो बाय पोस्ट ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आधार कार्ड की नई वैकेंसी की अपडेट जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी मन में सवाल है डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके सिटी का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।